नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम प्रोविजनल अभ्यर्थी पहुंचे जनता दरबार, ज्ञापन कार्य नियुक्ति पत्र अच्छी खबर। यूपी ट्रिपल एस सी एनम 7182 नियुक्ति पत्र कार्यभार ग्रहण संबंधित महत्वपूर्ण खबर। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो यह अपडेट सभी एनम बहनों तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, 7182 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, जिसमें से 1622 अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। कारण यह है कि इनकी जितनी भी फाइलें हैं दोस्तों, उसमें से ज़्यादा अभी फाइलें परिवार कल्याण विभाग को नहीं भेजी गई हैं और वह काम जो है जैसे ही कंप्लीट होगा आपका जिला आवंटन और नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी, संख्या तो ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 अभ्यर्थी जो है गोरखपुर जनता दर्शन जनता दरबार मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं कि सर हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र जल्द से जल्द दे दिया जाए, हम लोगों का भी काम जो है जल्द से जल्द पूरा करवा दिया जाए। तो दोस्तों, यह सब विनती के लिए मुख्यमंत्री जी के पास अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं और ज्ञापन कार्य के लिए कुछ अभ्यर्थियों को सिलेक्ट भी किया गया है। 2 से 3 अभ्यर्थी अभी मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगी और वहां से क्या अपडेट निकल कर आएगी मैं आप लोग को वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, आश्वासन क्या मिलेगा वो भी आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन परिवार कल्याण से जो खबर निकल कर आ रही है कि 100 से 150 अभ्यर्थियों के ही डॉक्यूमेंट अभी तक वहां पर पहुंचे हैं, यानी फाइल जो होती है दोस्तों वह परिवार कल्याण विभाग के पास पहुँची हुई है। आगे वीडियो का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद जो है आप लोग के नियुक्ति पत्र पर काम जो है शुरू हो जाएगा। और फाइल अभी कुछ है जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास ही रखी हुई है। जैसे ही दोस्तों ज्ञापन कार्य का कोई भी अपडेट निकल कर आता है जनता दरबार से, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। वहां पर अपना मुद्दा लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं कि सर हमको भी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम 7182 जो नियुक्ति पत्र इन अभ्यर्थियों को मिल गया है। कुछ ज़िले में दोस्तों अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया था, उससे नुकसान किसका है दोस्तों? अभ्यर्थियों का है। लेकिन गलती उसमें जो है अधिकारियों की है जो देर से उनको कार्यभार ग्रहण करा रहे हैं। बहुत से ज़िले में ये हुआ है कि जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला है उसी दिन, उसके दूसरे दिन दोस्तों कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया है। अब यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसे ज़िले हैं, अभी गोरखपुर का भी जो है नोटिस जारी हुआ है सीएमओ सर के माध्यम से और भी कई ज़िले का नोटिस जारी हुआ है, वहाँ पर ये बताया गया है कि जितनी भी एनम बहन है यथाशीघ्र जो है सीएमओ सर को रिपोर्ट करें और उसके बाद जो है अपने अपने कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करें, अपने सभी डॉक्यूमेंट जितने हैं सभी ला कर जो है सीएमओ ऑफिस में जमा करें। उसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं, आप नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। कार्यभार ग्रहण करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार चाहिए, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट से लेकर, करेक्टर सर्टिफिकेट से लेकर, और उसमें हर जितने डॉक्यूमेंट आपके हैं, हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा, सभी के जो है 3-3 सेट फ़ोटो कॉपी से लेकर हर चीज़ जो है आपको वहाँ जमा करना है। उसके बाद कार्यभार ग्रहण आख्या जो पत्र होता है उसको भर के आपको कार्यभार ग्रहण करना है। तो यह सब काम जल्द से जल्द आप लोग कर लीजिए, नहीं तो आपकी सैलरी कम आएगी। तब आप लोग यही कहेंगे सर उस ज़िले में सैलरी इतनी ज़्यादा आई है जबकि साथ ही नियुक्ति पत्र मिला था, हम लोगों की सैलरी क्यों कम आई है? क्योंकि जिस दिन से कार्यभार ग्रहण होगा उसी दिन से आपकी अटेंडेंस लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नई भर्ती, नया अधियाचन जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए नई एनम बहने फटाफट चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।